चीज देते हैं और उसी का दाम लेते हैं। कुछ घंटों में, दिनों में भी नहीं, कुछ ही घंटों में फिनिश हो जाएगा। गल पे वे खाजे बोलते हैं इसको, और लेके जाए और माता को भोग लगाए। यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, तो नमस्कार भैया जी। नमस्ते ललित व्यास, मैं श्री जी अतिथि परिवार की ओर से सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ होली की। आपको भी बहुत बहुत होली की बधाई। और सर, हमने सुना है आपके यहाँ पे नमकीन वगैरह पंचकूटा सब काफ़ी फेमस है, तो पंचकूटा जो फेमस है अभी जो फिलहाल चल रहा है होली का स्पेशल, वो क्या क्या आइटम है वो बताइए। होली के खूब सारे नमकीन की वेराइटीज़ है अपने पास। जो मेन अपने आइटम है वो है हिंगे नमकीन हो गया, मिक्सर हो गया, इलायची पुदीने के गांठे हो गए, मटरी हो गई। तो एक बार हाथ से लेकर दिखाई दीजिए कौन कौन सा आइटम है। ये तो मिक्सर हो गया अपना, ये मिक्सर आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये जो स्पेशल हिंग की नमकीन जो कह रहे हैं, ये हिंग का नमकीन है अपना, देख सकते हैं। ये इलायची पुदीने के गांठे हो गए, ये इलायची पुदीने के गांठे हैं। मूंग फ्लेक्स हो गए, मूंग फ्लेक्स। ये सर ये गुंजे, ये अपना हॉट आइटम है। अच्छा, गुंजा बोलते हैं इसको। एक बार इसको तोड़ के दिखाइए ना, इसमें क्या क्या मिला हुआ था, फीलिंग क्या होती है इसमें। अगर अपन फीलिंग की बात करें, कोकोनट पाउडर है इसके अंदर। अच्छा, खोया है, ड्राई फ्रूट है, आप जैसा देख पा रहे हैं इसे आप टेस्ट कीजिएगा। कचौरी मिल जाएगी, समोसे मिल जाएंगे। ये समोसे, ये कचौरी आप देख सकते हैं, ये मल्टीग्रेन हो गया अपना, ये मल्टीग्रेन। ये कचौरी समोसे कितने टाइम तक सर खराब नहीं होता? ये 2 मंथ की गारंटी लेता हूँ मैं। अच्छा, 2 मंथ तक ये खराब नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, हींग की पपड़ी हो गई, ये हींग की पपड़ी आ गई, लॉन्ग सेव हो गए, मैदे के खूब सारे आइटम मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो अपने पास ये गलपे हुए खाजे बोलते हैं इसको। कौन से खाजे सर? गलपे हुए। अच्छा, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? ये प्लेन खाजा होता है, उसके ऊपर जो ये कोटिंग जो है शुगर की कोटिंग होती है ये पूरी। ये येलो खाजे हो गए, ये अजमे वाले खाजे हो गए, ये गुड़ वाले हो गए, वो बेसन वाले हो गए। अच्छा, इस प्रकार से अगर अपन खाजे की बात करें तो ठंडे पे अपन कम से कम 8 से 10 तरह की वैरायटी रखते हैं खाजों के अंदर, जो पूरे जोधपुर में मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी आपको। 10 तरह के खाजे दूंगा इस बार भी ठंडे को। अच्छा, ठंडा अपना यहाँ आपका पिछले 8 से 10 साल से अपन जो है शीतलाष्टमी अपन रेडी टू ईट यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें सारे जोधपुर के हर साइड के कस्टमर आते हैं। तो उसमें अपन मेनली सारे के सारे आइटम, माता के भोग लगने वाले सारे आइटम अपन रखते हैं यहाँ पे, जिसमें करबा हो गया, माटी हो गई, लौंजी हो गई, कैर कोमटिया सांगरी की सब्जी हो गई जी। तो कहने का मतलब ये है, आप तो सीधा आएँ और लेके जाएं और माता को भोग लगाएं। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। सेवा देते हुए कितने साल हो गए थे? हमारे को साहब कम से कम 8 से 10 साल हो गए। अच्छा सर, और एक बार यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो 2 अच्छे लैंडमार्क हैं हमारे यहाँ पे। एक तो बालकृष्ण लाल जी का मंदिर हमारे जस्ट पास में है, एक इसके गजानन जी, ये दोनों ही जो टेंपल है वो अपना आप में जोधपुर की शान है। बुधवार को आप अगर बात करें तो बुधवार को यहाँ इतनी भीड़ लगती है इसके गजानन जी पे, तो उससे बाहर निकलते उल्टा हाथ में अपनी ये शॉप है श्री जी अतई के नाम से। बालकृष्ण लाल जी जस्ट पास में हमारा बालकृष्ण लाल जी का टेंपल। नमस्कार सर। सर जी कितने सालों से आ रहे हैं सर यहाँ पे? मेरे को करीबन हो गए यहाँ 5 से 6 साल हो गए सर, और रेगुलर आता हूँ मैं हर त्यौहार में। तो आज स्थिति ये है, हर साल जो माल बनाते हैं उससे 30 से 40 गुना ज़्यादा बनाते हैं जी, उसको बढ़ाते हैं। पर आज ये स्थिति है कि मैं अभी दिन में आया हूँ, जिसमें इनके पास मिठाई की तो कोई भी वेरायटी नहीं है, सब फिनिश हो गई। अच्छा सर। और जो अपन बाज़ार से या मार्केट से किसी और बड़ी दुकान से माल लेते हैं उससे, मतलब आप मान के चलिए 80% इनका माल भी अच्छा है, वेरायटी भी अच्छा, और शुद्धता सबसे बढ़िया, असली चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सही बात। तो यहाँ इसीलिए हम यहीं आते हैं नमकीन लेने, मिठाई लेने, और हम यहाँ इनके रेगुलर कस्टमर हैं जी। और हम मैं यही चाहूँगा कि आजू बाजू लोग और जहाँ वाले भी हैं वो यहाँ से आके मिठाई लें, तो मतलब खाने में भी मज़ा आएगा, और ये नहीं है कि अपन आज बाहर खा रहे हैं तो उसकी आप वेराइटी जानते हैं कि सब चीज़ में मिलावट है। सही बात। और ये ओरिजिनल चीज़ देते हैं और उसी का दाम लेते हैं। सही। इसीलिए आज हम यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, और मुझे काफ़ी साल हो गए, और आगे भी मैं यहाँ कंटिन्यू आता रहूँगा। आप जैसे ठंडे पे अब आने वाला शीतलाष्टमी का मेला,
तो ठंडे पे भी ये पूरे काउंटर सब कुछ लगाएंगे। तो मैं लोगों से चाहता हूँ अपने घर पे इलाज वाला यहाँ पे आए और सब वैरायटी मिलेगी और एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे। जैसा है कि पहले आओ पहले पाओ। हाँ बस ये है, अगर आप समय से आ जाएंगे तो आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, नहीं तो जो है वो ले जाएंगे। इसमें नहीं है जो आइटम है जो अभी खत्म हो चुके आप देख सकते हैं। हाँ नहीं नहीं करके मिठाई तो कुछ भी नहीं है अभी यहाँ। अब मुझे मिठाई के लिए अभी इन्हीं से पूछ रहा हूँ कि भाई ऐसी वैरायटी कहाँ मिलेगी मेरे को। सही है, तो अब वहाँ से ही कुछ लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फेस्टिवल के हिसाब से जो होली के जो पकवान है ट्रेडिशनल जो पकवान है वो लेने के लिए आया हुआ हूँ। और वैसे हर फेस्टिवल पे हर ओकेशन पे यहाँ श्रीजी अतई से हम लेते रहते हैं पकवान। अच्छा, बहुत उम्दा क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और सबसे बड़ी बात है बहुत सही रेट पे, और ओरिजिनल जो जो चीज़ हम बोलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। अब जैसा कि अभी मुझे, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे तो ये बड़ी वाली जो सेवें हैं ये लेनी है, मुझे गुजिया लेनी है, और अभी मैं जैसे कि इनसे वो बेसन की जो चक्की लेने आया हूँ। और जैसे बयान मुझे बताया कि बेसन की चक्की अभी फ़िलहाल फिनिश हो गई है, उसका बस एक ही रीज़न है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, और भैया विश्वास बनाते हैं कि उसमें कोई तरह का अलग मैनिपुलेशन नहीं हो, कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा देर तक भैया के रहती स्टॉक में रहती भी नहीं है, मतलब इनका स्टॉक उसमें नील ही रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको भी ये चक्की लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। और जैसा कि अभी मैं दूसरा आइटम ले रहा हूँ, अभी आइटम में अभी हार्डली कुछ घंटों में, दिनों में भी नहीं, कुछ ही घंटों में फिनिश हो जाएगा। ये रहे। अभी आप क्या लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? मैं अभी गुजिया लेने आया हूँ, और ये पे यहाँ पे जो नमकीन है, जो मोटी वाली सेब है, ये बेसिकली हींग की जो उसमें ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी होती है, जो कि पेट को साफ रखती है और स्वाद इसका बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा यहाँ के सारे जो भी नमकीन हैं उसकी सबसे अच्छी विशेषता यही है कि ये सारे नमकीन शुद्ध तेलों से बने हुए हैं, इसमें कोई तरह का मिक्सअप नहीं है। अगर ये रेगुलर, जैसे हम रेगुलर भी नमकीन खरीदते रहते हैं फेस्टिवल के अलावा भी, तो अगर मान लो नमकीन 15-20 दिन या महीना भर भी अगर घर पर पड़े तो उस पर तेल नहीं चढ़ेगा और कड़वापन नहीं आएगा उसके स्वाद के अंदर। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ हमको खींचे लेके आती है। और ललित जी भैया से हम तो जुड़े हुए हैं, वैसे जो स्टेजी है तई के ऑनर है, तो मैं आपूँगा इसको बेस्ट ट्राई। जोधपुर में जब भी आपको कुछ भी खाना हो नमकीन को लेके, मिठाई को लेकर, और फेस्टिवल पे तो श्रीजी तई को बेसिकली अटेंड कीजिए, एक बार जरूर अटेंड कीजिए। आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ के कस्टमर से भी यहाँ का रिव्यू लेते हैं, एक बार देखते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया सर जी, आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? मैंने तो आता होता हमारे हिसाब 8-9 साल तो हो गया है। अच्छा, उन्होंने पहले मेरा पापा होता। अच्छा, और क्या कैसा स्वाद लग रहा था आपको यहाँ पर? बहुत गजब का स्वाद है यहाँ का, जो मल्टीग्रेन है और इंक की सेम है वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्पेशल इंक के नमकीन, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। और आइटम देख सकते हैं आप कितने सारे भाई। तो सर आपने अभी क्या लिया यहाँ से? मैंने होली स्पेशल गुजिया, हींग की सेवे, मल्टीग्रेन मटरी, और इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गया तो चक्की और सब मैं थोड़ा मिस हो गया। अच्छा सर, बाकी अगली बार जल्दी आएंगे और आते रहते हैं हम तो। चक्की वगैरह भी यहाँ की स्पेशल है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो रिव्यू देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, हैप्पी होली। हैप्पी होली। और भी कस्टमर तो जानते हैं यहाँ का रिव्यू। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर जी आप क्या लेना है यहाँ पे? गुंजा मठरी, यहाँ की हींग की सेव जो बहुत फेमस है। अच्छा, प्योरिटी है उसके अंदर और अच्छा टेस्ट आता है। कितने सालों से सर? मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ सर, और इनका बहुत ही, इनका व्यवहार भी अच्छा है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे प्योर है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा सर, और हर त्यौहार अभी जो शीतलाट में आएगी तो शीतलाट में सबसे ज़्यादा वेराइटी आप ही रखते हैं। अच्छा सर, तो खूब तरह की वेराइटियाँ मिलती है और सबसे अच्छा और साफ़ सुथरा इनका हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ सर, ये तो देखा जा रहा है जिनका बहुत यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ के जो स्पेशल चीज है, साल में एक बार हमारा मारवाड़ का बहुत बड़ा त्यौहार होता है शीतलाष्टमी का। शीतलाष्टमी के अंदर यहाँ पे हर साल कहीं पे भी जोधपुर में ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पे संपूर्ण जो उसके ठंडे का आइटम होते हैं वो मिलते हैं। यहाँ एकमात्र एक स्थान है जहाँ पे पछुटे की सब्जी, कैरी गुंदा की सब्जी, लांजी, जो मिट्टी राब होती है, करबा होता है, ये जो मेन माता जी को भोग लगाने की चीज़ें होती है वो यहीं पे मिलती है। और भी तरह के खाजे वगैरह, मीठे खाजे, नमकीन खाजे, बेसन के सारे प्रोडक्ट, सब तरह की सब्जियां जो शीतलाष्टमी पे मिलती है। पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार यहां से ले जा रहा हूं और उत्तम क्वालिटी के मिलता है यहां पे, साफ़ सुथरा अच्छा खाना, फ्रेश। आप
अगर एक बार यहाँ से जुड़ जाओगे तो वापस आप कहीं भी जोधपुर किसी कोने में रहोगे या बाहर भी हो जोधपुर से राजस्थान के होते, एक बार आप जब भी जोधपुर होगे तो यहाँ का आइटम लेकर जरूर जाओगे। अच्छा सर, और इतना ही बढ़िया भाई साहब का व्यवहार है ललित जी का, और हम तो बरसों से जुड़े हुए, आगे भी जुड़े रहेंगे और लोगों को बताते हैं और यहाँ से आइटम ले जाए लोगों को। एक बार बताइए, अभी मैंने यहाँ पे मठरी ली है जो इनके स्पेशल आइटम है, गुंजा वो लिया है, और नमकीन लिए हिंग की सेव, सबसे फेमस ये रही साहब। अच्छा, ये हिंग की सेव और मिक्सचर और ये मटरी। अच्छा, मेरा नाम दुष्यंत दवे है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। संजय व्यास, पड़ोस जोधपुर जो नमकीन फेमस है, और श्री जी अताई मत है, मैं जोधपुर हूँ 14 किलोमीटर दूर हूँ तो भी शहर में श्री जी अताई हूँ, मैं नमकीन लेमन लाऊँ मोहम्मद जान की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और मैं धंधे व्यवसाय हूँ वकील हूँ तो हर चीज़ सोच समझ में खरीदिया करूँ तो अटली चीज़ कितनी अच्छी है ला वो आपने मैं मैंने बताऊँ नहीं जरूरत कोई मेरे वास्ते क्या हो और मैं आप लो मैं बहुत टेस्टी हो। उनके घर गया था तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसा नमकीन कभी खाए नहीं। अच्छा, और वो खुद ही आए इस नमकीन को टेस्ट करने के लिए, और गुजिया तो स्पेशल खाता ही नमकीन के मुकाबले कोई नमकीन है ही नहीं। कितने साल से आ रहा है? मैं जब से दुकान लगी है तब से आ रहा हूँ यहाँ, लेकिन ओम बिरला तक, ओम बिरला के घर तक ये नमकीन गया है, और वो भी इस नमकीन को पसंद करता है, जो कोटा में नमकीन की नगरी में बैठे हुए हैं, इनकी सेव और मिक्सर उनका पसंद है, नमकीन है यहाँ का, और वो खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। एक बार आपका शुभ नाम जाना चाहिए? मेरा नाम कैलाश सोनी। अच्छा कैलाश जी, आपका रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।